ओके तो आज हम लोग आइसोमरिज्म पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो अब आप लोग के सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, रहा है ना। अब आप लोग इसका आंसर बताना जल्दी फटाफट, दिखते हैं कितने लोगों को याद है। जल्दी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सभी लोग। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट। आंसर क्या आना चाहिए? ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा अपना? ए बी सी डी में से, जल्दी जल्दी फटाफट। ए सर आपने बताया। ओके होगा, ओके, ठीक है क्लियर। ए होगा सर, ये होगा, मैंने एक ट्रिक बताया था, याद है आप लोगों को? जिसको याद है वो ए कैसे बोलेगा, ये चल बी कहाँ होगा, से। इसका बी होता है शायद। ठीक है, जिसको मैंने ट्रिक बताया था ना, क्लास में ट्रिक बताया था इसका, बोलो ये किस टाइप का पैटर्न पे दिख रहा है आपको, बताओ। याद आया आपको एम किस टाइप का है? ये सभी क्या है हमारे, मोनोडेंटेट है, हाँ या ना, बोलो। ये यस सारे सर, मोनोडेंटेट है, तो क्या लिखोगे आप? एम A3 मैं B2 एम A3 B2 C सी, C ठीक है, यही है ना, क्लियर है। अब बताओ अगर आप इसके पैटर्न ऐसे देखोगे, देखो यहाँ पे देखो, इसके अलोंग अगर आप देखोगे तो आपको क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है? इसके अलोंग आ जाओ, बोलो क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसके यस अलोंग जाओगे सर, ना आप, तो ये इसमें आ जाएगा, ये इसमें हो जाएगा, तो इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकल हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसमें आ जाओ, ये भी आप देखो, अगर आप ऐसे कर दे तो है ना, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे भी है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं दोनों, इसमें हर साइड से देखना पड़ता है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। हर साइड हर जगह से एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री हर चीज देखा जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये दोनों सर ये ऑप्टिकली। कहाँ से सिमेट्रिकल है? यहाँ पे दो सीएल है, वहां पे दो एनएस3 है, तो ऑप्टिकली नहीं, मतलब सिमेट्री वो सिमेट्री नहीं कैसे नहीं हुई? नहीं आप देखो फर्स्ट वाले में आपको दिख रहा है कि नहीं है, ये बताओ पहले। ये सर इनएक्टिव नहीं है। नहीं है, दिख गया ना ये, तो आपको ये ना ऐसे सोचना है, ये आपको दिया गया है, राइट है ना। अब आप लोग ये सोचो कि अगर यहाँ पे कोई सिमिट्री है कि नहीं, सिमिट्री बहुत सारे टाइप का हो सकता है, प्लेन ऑफ सिमिट्री हो सकता है, सेंटर ऑफ सिमिट्री हो सकता है, एक्सिस ऑफ सिमिट्री हो सकता है ना, ये सारा सिमिट्री देखा जाता है, क्लियर है। अगर जिसको दिख रहा है उसको ठीक है, नहीं दिख पा रहा है तो ट्रिक भी था अपना, ठीक है। अगर आपको ये सोचना पड़ेगा, 3D व्यू है, 3D से चेक करना पड़ेगा कि आप सोचो कि कैसे हम इसको प्लेस करें कि प्लेन ऑफ सिमिट्री आ जाए, अगर कहीं से भी नहीं आ रहा है तब जाके ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर कहीं दिख गया किसी भी प्लेन ऑफ के, है ना, मान लो हॉरिजॉन्टल देख रहे हो, वर्टिकल देख रहे हो, एक्सिस पे देख रहे हो, किसी के थ्रू अगर दिख गया प्लेन ऑफ सिमेट्री तो फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर आपको सर इसमें यहाँ प्लेन दिक्कत, सिमेट्री है ही कैसे? वहाँ पे दो NH3 है, यहाँ पे सीएल है, नहीं, अलग अलग आइटम है। नहीं ना, वही तो आप केवल एक एक पैटर्न पे देख रहे हो, देखो इधर से आया कि नहीं आप, ये इसके नीचे चला जाएगा, ये इसके नीचे आएगा, हर एंगल पे देख रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि मैंने इसमें बना दिया बस आप इसी को देख रहे हो केवल, हर चीज चेक करना होगा आपको यहाँ पे। अगर इसमें डाउट आ रहा है ना, देखो एक ट्रिक बताया था मैंने, अब इसका कितने ट्रांसपेयर बना सकते हो बताओ, इसका ट्रांसपेयर बनाना बोलो, कितने ट्रांसपेयर बना सकते हो A3 B2 C, क्या बताओ? ट्रांसपेयर मीन्स आप समझ रहे हो क्या होता है, जिसको नहीं पता है ट्रांसपेयर के बारे में देख लो। सेम चीज दो दो देखो ट्रांसपेयर कौन बिल्कुल। सा, आ जाओ थोड़ा सा हम बता देते हैं ना आइसोमरिज्म के बारे में, ठीक है। तो ट्रांसपेयर ना, ट्रांसपेयर इज नथिंग बट, जैसे आपको लिखा गया ना ए ए ए ए, क्या मतलब क्या हुआ, ये अपना हो गया मेटल, ए ट्रांस ए का मतलब ये हुआ, ए इधर होगा एक और एक ए ये इधर होगा, मान लो इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, तो ये A1 हो गया हमारा, ये A2 हो गया, ये ट्रांसपेयर बोलते हैं इसको, ठीक है, क्लियर है ना। तो ट्रांसपेयर से क्या फायदा होगा आपको, ट्रांसपेयर से आपको ये पता चलेगा कि हमारे कितना डिफरेंट डिफरेंट
जीआई बन सकते हैं ना। कैसे? अब देखो, जैसे आपके पास सपोज कर लो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या है, 4 है, ठीक है। मान लो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आप लोग ये बताओ, अगर अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, DSP2 आना चाहिए। DSP2 आएगा तभी हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर स्क्वायर प्लेनर है तभी क्या शो होगा, बताओ, बोलो, किसी को आइडिया है? राइसमर तभी हमारी क्या शो होगी, GI, ठीक है, सिस एंड ट्रांस आएगा। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है एंड आपका हाइब्रिडाइजेशन आ गया SP3, तो यहाँ पे क्या शो होगा, केवल ऑप्टिकल, ऑप्टिकल ही शो होगा केवल, है ना, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा ना सराउंडिंग में किस टाइप के एटम है, सेम है कि डिफरेंट है, ये आप चेक करना पड़ेगा। SP3 GI नहीं शो करेगा, ध्यान रखना, SP3 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते हैं ना, ये पता होना चाहिए आपको। ओके, अब आ जाओ आप लोग, ठीक है, कि जैसे ट्रांस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, क्लियर है? तो जैसे मान लो, है ना, कुछ चीजें होती हैं, जैसे मान लो MA4, MA4 को कैसे लिखोगे आप, MA4 को मान लो ये आपका है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पहले हम लोग चेक कर रहे हैं SP3, मीन्स टेट्राहेड्रल है ये कैसा है हमारा, टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल है तो GI शो होगा, बोलो, होगा नहीं, तो GI देखेंगे नहीं, क्या देखना पड़ेगा हमें, ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल क्लियर आइसोमर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, SP3, ये मैंने ना आप लोग को बता दिया, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारा, SP3 है, ठीक है। अब आ जाओ, अब आप ये A4 है ना, A4 को कैसे ट्रांस में लिखोगे, डिफरेंट पेयर बनाना है यहाँ पे, है ना, बोलो, तो AA लिख सकते हो एंड AA लिख सकते हो, और कोई डिफरेंट पेयर है, एक सेट हो गया, क्या दूसरा सेट बन सकता है अलग, ना बताओ, सर। क्या आप बना सकते हो दूसरा सेट, एक सेट बना लेकर दूसरा सेट बनेगा, नहीं, अगर केवल एक सेट बन रहा है, एक सेट बन रहा है तो क्या होगा, कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक है, GI नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, GI नहीं हो सकता है, अगर एक सेट आ रहा है तो ऑप्टिकल हो सकता है। ऑप्टिकल होने के लिए कैसे करना होगा, अंदर वाला सारा डिफरेंस होना चाहिए, क्या अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंस, ये भी अंदर वाला क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, और ये दोनों साथ में हो वो भी क्या होना चाहिए, डिफरेंस, तब हमारा चांसेस है मोस्टली केसेस में आपको ऑप्टिकल आइसोमर दिख जाएगा, है ना, ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्टिकल आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बताओ, क्या यहाँ पे ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल शो होगा, सर अगर आपके पास MA4 टाइप का हो, बोलो, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, है ना, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स जो है MA4 टाइप का है, यहाँ पर नहीं तो ज्योमेट्रिकल होगा, हाँ नहीं तो आपको ऑप्टिकल होगा, कुछ नहीं होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये स्मॉल ए स्मॉल बी क्या, देखो स्मॉल ए बी सी डी ई जो भी यूज करेंगे, स्मॉल लेटर स्मॉल अल्फाबेट, ये होगा आप ध्यान रखना मोनोडेंटेट के लिए, किसके लिए, मोनोडेंटेट के लिए, ठीक है। अगर हम मैंने कैपिटल ए बी या कैपिटल ए ए ए सी, कैपिटल ए सी या आप बोल सो बोल दो बी सी, तो ये किसके लिए होगा, बाइडेंटेड, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड के लिए, बाइडेंटेड लिगेंड के लिए अपन यूज करेंगे इसको, है ना, सिमेट्रिकल लिगेंड के लिए, अगर आपके पास सिमेट्रिकल है तो ए ए टाइप लिखेंगे, या मैं लिख सकते हैं अपन बी बी टाइप या सी सी टाइप हम लोग लिखेंगे, किसके लिए, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड के लिए अपन यूज करते हैं। अब आ जाओ ट्रिक पे, ट्रिक किसके लिए, जो जो लोग सोच नहीं पा रहे हैं 3D में, उनके लिए ट्रिक होता है ना, जो लोग देख पा रहे हैं उनके लिए तो ट्रिक कोई काम का नहीं है ना, ठीक है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल होता है ना। अब आ जाओ, एम क्या था हमारा, एम मेटल होगा, एम क्या है हमारा, मेटल, ठीक है। अब आ जाओ, जैसे हमारा क्या है, वहाँ पे हमारा है MA4 है, राइट, ये क्या हमारा कोई भी मोनोडेंटेड लिगेंड होगा, CLBR I कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो एम अगर मेटल ऐसा हो MA4 टाइप का, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, नहीं तो ऑप्टिकल होगा, नहीं आपका ज्योमेट्रिकल होगा। अब आ जाओ,
आपके पास सेकेंड केस हो सकता है एम ए थ्री बी, क्या इसमें शो होगा जी आई एंड, बोलो ये एस पी थ्री है, बताओ क्या जी आई ऑप्टिकल तो शो होगा? होगा जी आई तो होगा सर, जी आई होगा, नहीं है। जी आई तो पहले ही खत्म हो गया क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या है पहले एस पी थ्री, ये ध्यान रखना आप लोग, आइदर ऑप्टिकल आइसोमर ही हो सकता है ना, सर ये SP3 कैसे पता चला आपको? SP3 है ये मैं बता रहा हूँ, हमें नहीं पता चला है, सपोज मालूम। कर रहे हैं ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा ना तो पहले आप हाइब्रिडेशन निकालोगे मेटल का, यस सर, ये हाँ ये हमें थोड़ी पता चल जाएगा, इसे निकालना पड़ेगा ना, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा हाइब्रिडेशन किसका है, सेंट्रल मेटल का है, ये टेट्राहेड्रल केस पड़ रहा है जब हमारा हाइब्रिडेशन एस पी थ्री हो उस केस के लिए है ना। अब आप लोग सेट बनाओ इसका, कितने डिफरेंट सेट बना सकते हो, ए ए ए बी राइट, ये एक सेट होगा, क्या डिफरेंट सेट बन सकता है, और बनाओ कोई अलग सेट बना सकते हो, बोलो कोई अलग जाएगा। है, सेम ही मिलेगा ना, अगर किसी को लग रहा होगा ना ये कर देते हैं बी ए, ये दोनों सेम चीज है ठीक है, ये अलग नहीं है, ए बी लिखो या बी ए लिखो बात तो बराबर है, तो केवल एक ही सेट आ रहा है तो जी आई तो होगा नहीं अपना, और जी आई तो वैसे भी नहीं हो रहा है, एंड ऑप्टिकली के लिए क्या बताया था मैंने, अलग अलग होना चाहिए, देखो ये दोनों तो अलग है लेकिन अब बताओ ये दोनों सेम आ गए ना, ये दोनों सेम आ गए तब यहाँ पे भी क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। अब आ जाओ, अगर आपके पास एम ए टू बी टू है, कितने सेट ऑफ बनेगा है ना, टेट्राहेड्रल केस के लिए पढ़ रहे हैं, एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल के लिए बताना आप लोग क्या होगा, टेट्राहेड्रल के केस है हमारा, अरे यहाँ पे जी आई बनेगा नहीं, ओ आई बताओ, ओ आई बनेगा, ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा बनेगा हाँ, सर, एक केस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा, कैसे बनेगा पेयर बताना इसका, ए ए बी ए बी बी डी और ए बी। ए बी बी, दूसरा ए बी ए बी, अब ए बी हाँ तो यहाँ से क्या बन जाएगा, क्या लग रहा है क्या बनेगा नहीं बनेगा सर, नहीं बनेगा। आपको, जी आई तो देखना ही नहीं है, जी आई तो वैसे भी नहीं होने वाला है ओ आई भी नहीं होगा सर। वाई भी नहीं होगा क्योंकि देखो सेम आ गया, यहाँ पे सेम हो गया, यहाँ पे भी सेम हो गया, तो नहीं बनेगा, तो वाई भी नहीं होने वाला ठीक है। अब आ जाओ, अगर आपके पास केस है मान लो एम सर ए ओ आई भी नहीं टू होगा। वाई के लिए क्या बताया था मैंने, या तो दोनों सब चीज अलग होना चाहिए, अंदर का भी अलग होना चाहिए, ये सेम आ गया ना अंदर, यहाँ पे सेम आ गया, और बाहर दोनों जो पेयर है ना ये भी बराबर नहीं होना चाहिए, ये तो कुछ सेम आ गया ठीक है, ये ट्रिक है पहचानने का है ना ठीक है। अब आ जाओ, अब आपके पास ए टू बी सी ये शो करेगा, ए टू बी सी बताओ शो करेगा कि नहीं करेगा, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल तो करेगा नहीं, जी आई तो वैसे भी नहीं करने वाला है, ऑप्टिकल बताना है आपको, ऑप्टिकल करेगा ये, ऑप्टिकल के लिए क्या पेयर बनाओ ए ए बी सी राइट, दूसरा पेयर क्या हो सकता है हमारा ए बी बी सी, ए बी ए सी, ए सी दूसरा है हमारा बी सी, यही है ना। अब बताओ ये पेयर में ऑप्टिकल शो हो रहा है कहीं पे, ये देखो सेम आ गया ठीक है, कोई शो कर रहा है बताओ, ए सी बी सी शो सर एसी कर बी रहा सी है, करता है, ACBC तो करेगा सर, ए सी बी सी आपको क्या लग रहा है करेगा ये, करना चाहिए सर। दोनों अंदर अंदर भी नहीं डिफरेंट है और बाहर करेगा कॉम्बिनेशन भी डिफरेंट है, एसी। हर चीज कॉमन है दोनों में। बट इसमें क्या होगा ना यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखना, जैसे आपका ये ड्रॉ करते हैं ना एम है ना, टेट्राहेड्रल ड्रॉ करना इसको, यहाँ पे आपका ये हो गया है ना, ए ए के अपोजिट सी है, सी लगा दिया आपने, फिर आपका बी है, बी के अपोजिट सी है, यही है ना क्लियर है, वैसे इसको ऐसे तो हाँ टेट्राहेड्रल है ना सारा, टेट्राहेड्रल का ही केस है, टेट्राहेड्रल, उसमें तो ऐसे नीचे की तरह ऐसे ट्रायंगल सा कुछ पिरामिड जैसा बनता है आपको देखो। हाँ
मीन्स टेट्राहेड्रल ही बनाना है आपको, है ना, टेट्राहेड्रल ही ज्योमेट्री होगा, ठीक है, ऐसे बना लो। ये भी होगा ना सर, बी सी थोड़ी। ए क्या है, ए टू, हाँ ए होगा ना, ये हमारा ए, ए के ऑपोजिट क्या है हमारा एस, एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखो एक मिनट करो, इधर सर आ ए रहा बी है सी मैं, होगा ए बी होगा ना, ये ए बी होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए सी होगा, ठीक है ना। अब आ जाओ, ना। है ना, तो ए के अपोजिट सी, ए के अपोजिट हमारा यहाँ पे मान लो बी है ना, तो ऐसा देखा गया है कि इसके अलोंग जाओगे ना तो आ जाता है ना, तो कहीं कहीं पे ये ट्रिक हो सकता है कहीं काम ना करे, है ना, 100% ट्रिक काम नहीं करता है ये, कुछ केसेस हैं जहाँ पे ये काम नहीं करता, जैसे यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि होना चाहिए था, क्योंकि ये पेयर क्या है, ये पेयर में तो सेम आ गया तो चलो ठीक है, लेकिन इसमें क्या है ना, ये तो डिफरेंस है, है ना, अंदर भी डिफरेंस है बाहर भी डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे ये इनएक्टिव ही रहता है। इससे पीछे और रीजन पता है क्या है, कि कायरल मॉलिक्यूल कब होगा, जब चारों ग्रुप हमारा अलग होना चाहिए, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, याद है, तभी ये कायरल एटम होगा, तभी बिल्कुल हमारा बिल्कुल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा, तभी हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसके पीछे रीजन ये है ना। अगर आपके पास एम ए बी सी डी हो जाएगा, तो फिर ज्यादा एम ए बी सी डी सिर्फ यहाँ पे कार्बन के लिए नहीं होता, कौन सा, कार्बन के लिए देखते हैं ना कायरल है या नहीं। कार्बन मॉलिक्यूल तो आप किसी के लिए देख सकते हो ना, कार्बन के लिए क्यों देखोगे, केवल अच्छा कार्बन, कार्बन ही कैरल होगा, दूसरा कोई नहीं होगा, वैसे मॉलिक्यूल बहुत बहुत ज्यादा कार्बन कार्बन ही होते हैं ऑर्गेनिक में, ठीक है, क्लियर है, जब कार्बन का देखेंगे तो फिर तो ऑप्टिकल का बात ही नहीं करना चाहिए, यहाँ पे तो कार्बन दिखेगा ही नहीं, ठीक है, जैसे एम ए बी सी डी है तो यहाँ पे कितना पेयर बनेगा, ए बी सी डी, है ना, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए बी सी डी, दूसरा बन जाएगा आपका ए सी बी डी, ठीक है, क्लियर है ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना, ऑप्टिकली एक्टिव होता है ये, एम ए बी सी डी जो होती है ऑप्टिकली एक्टिव होगा, प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं आता, और जी आई होगा यहाँ पे, ज्योमेटिकल आइसोमर नहीं, ज्योमेटिकल आइसोमर शो नहीं करता है, ठीक है, सर मैंने कहीं पे देखा था कि एम ए बी सी डी जो है वो ऑप्टिकल ओ आई और जी आई दोनों शो करता है। हाँ उसके पीछे रीजन है, ये जो है ना ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आप एस पी थ्री है तो इसमें एक कैसे, और भी तो बनेगा ए डी बी सी। किसमें ये, नहीं, वो आगे आएगा स्क्वायर प्रिलॉन में, आप समझे नहीं क्या बोल रहा हूँ, ये जो एस पी थ्री है ना, एस पी थ्री में जी आई शो ही नहीं कर सकता, कैसे शो होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सर नहीं ये आप जी आई नहीं कह रहा डिफरेंस सर, मॉडल क्या कॉम्बिनेशन कह रहा है सर, ए बी सी डी बनाया ना, तो वैसे ए डी और बी सी भी तो बन सकता है क्या। हाँ हाँ वो बनेगा स्क्वायर पेनलर में, ठीक सर है, अभी बनाए कोई फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि हमें बस चेक करना है ऑप्टिकली है कि नहीं, तो है सर ये पेयरिंग कर क्यों रहे हैं लेकिन हम। पेयरिंग करने से हमें ये आइडिया लगेगा कि कितना डिफरेंट पेयर बन रहा है, जो आपको अब पता चलेगा स्क्वायर पेनलर में, जितना पेयर बनेगा ना उतना ही जी आई होता है, जितना डिफरेंट पेयर बनेगा वो जी आई बताएगा, क्या बताएगा आपको, जी आई कितना बना हुआ है ना, अब पेयर के अंदर जितने डिफरेंट सेट होंगे अंदर अंदर वो आपको बताने लगेंगे ऑप्टिकली, तो लेकिन सर जब जी आई एस पी थ्री दिखाता नहीं तो इसमें बेयरिंग करने का फायदा क्या है। अरे यहाँ पे फायदा नहीं है, लेकिन आगे तो फायदा करेगा ना स्क्वायर प्लानर में, अभी तो, अभी भी तो अच्छा आपको हेल्प कर रहा है ना ये चीजें, एक भी डिफरेंस आया तो ऑप्टिकली होगा, बस ये बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, जैसे स्क्वायर प्लानर जैसे ही आएगा आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा मान लो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है डी एस पी टू, तो अब यहाँ पे क्या शो होगा, आप केवल जी आई शो होगा, ज्योमेटिकल आइसोमर शो होगा, अगर आप सोच रहे हो कि ऑप्टिकल आइसोमर शो हो जाए तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर होता ही नहीं है ना, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं होगा, सर ठीक है डीएसपी टू में नहीं होता ऑप्टिकल आइसोमेरिज़म। ना, ठीक है, और एक चीज और याद रखना, अगर आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड आ जाए तो बाइडेंटेट लिगेंड में देख लेना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, टेट्राहेड्रल में जैसे एम ए बी ट्वाइस आएगा ना कहीं पे, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, तो ऑप्टिकली होगा, ऑप्टिकली होगा,
अगर आपके पास आ गया एम, ए बी है ना अलग है अपना, और दूसरा मान लो आपके पास कोई अलग लिगेंड हो जाए, मान लो कुछ कुछ भी ले सकते हो, मान लो आपने ले लिया सी डी, ठीक है, तो ये क्या शो करेगा ऑप्टिकल, ये दो केस है जहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव होता है हमारा, जब आपके पास क्या है बाइडेंटेड लिगेंड है। अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या इसमें शो होगा एम, दोनों ही क्या सिमेट्रिकल हो जाए, शो करेगा यहाँ पे, नहीं ऑप्टिकली नहीं होगा, ध्यान रखना है ना, ठीक है। अब आते हैं स्क्वायर प्लेनर में, तो स्क्वायर प्लेनर में ध्यान रखना केवल अपन चेक करेंगे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल नहीं होता है ना, इनकी हाइब्रिडेशन sp3 थी। यहाँ पे DSP2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अगर हाइब्रिडेशन DSP2 ऊपर है, वाले जो एग्जांपल दो दिए हाँ थे SP3, सारा SP3, अब हाँ सारा वो SP3 का स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं स्क्वायर प्लेनर के केस में, है ना। सिमिलरली आपको पता है एम ए फोर रहेगा, कुछ नहीं होगा है ना, एम ए टू या एम ए थ्री बी शो करेगा, एम ए थ्री बी नहीं करेगा। अब बताओ एम ए टू बी टू करेगा, बोलो करेगा। करेगा है ना, यहाँ पे ये करेगा जी आई, कैसे पेयर बनाना, ए और आपका हो गया बी बी, इसमें क्या हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा ए बी, समझ गए आप, क्लियर है। वाई तो हुआ ही नहीं। वाई तो ऐसे भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, वाई तो देखना ही नहीं है हमें, ऑप्टिकल आइसोमर तो ये ऐसे भी नहीं होगा, तो ऐसे भी शो नहीं होगा, जी आई यहाँ पे शो हो जाएगा है ना, सीस ट्रांस, ठीक है, केवल जी आई शो होगा यहाँ पे, ऑप्टिकल तो वैसे भी नहीं होने वाला, ऑप्टिकल तो देखना भी नहीं है ना, अलग अलग पेयर बन गया ना, तो दो पेयर बने, इसका मतलब जी आई कितना होगा, दो सेट बने है ना, एक सेट और ये हमारा सेकेंड सेट है, तो दो सेट तो जी आई हो गया, ठीक है, दो सेट बनना चाहिए तब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगा। अगर आपके पास एम ए टू बी सी है तो एम ए टू बी सी में शो करेगा, बताओ एम ए टू बी सी में यस सर। पेयर बना लो, जितना डिफरेंस ओके पेयर बढ़ेगा उतना ही हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, ये सबसे आसान तरीका है, एम ए बी सी है ना, एक सेट बना, दूसरा सेट क्या बन सकता है ए बी ए सी, ये दोनों अलग अलग सेट है ना, अगर इस सेट का बात करो ये एक है और ये सेकेंड सेट बन गया हमारा, तो ज्योमेट्रिकल होगा है ना, क्या जी आई शो करेगा, ठीक है, ऑप्टिकल तो वैसे भी नहीं शो करेगा ये है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर केवल शो करेगा ना। इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है बोलो, नहीं ना, अगर आपके पास आ गया एम ए बी सी डी, इसमें शो करेगा, बताओ कितना जी आई शो करेगा, तीन नंबर ऑफ जी आई, पहले पेयर बना ए बी करेगा। सी डी ए सी बी डी, और पेयर क्या हो सकता है हमारा, ए डी ए डी बी सी, अब ये तीनों सेट अलग है ना, अगर आप इसको देखोगे ये भी अलग है ये भी अलग है ये भी अलग है, ठीक है, तो जी आई कितना हो जाएगा हमारा, 3, क्लियर है, क्लियर, किसी को डाउट है यहाँ पे बोलो, नहीं ना, फाइन, नमस्कार। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखना है ना, है ना। सिमिलरली अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जाते हो, अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जाओगे तो वहाँ पे भी ध्यान रखना है ना, क्या कि देखो अगर एम ए 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मीन्स ऑक्टा हेड्रल में, अगर आप देखोगे ऑक्टा हेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो ऑक्टा हेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप ये बताओ यहाँ पे दोनों होगा, कौन कौन सा, जी आई भी होगा प्लस पे वाई होगा, ज्योमेटिकल ऑप्टिकल दोनों शो करेगा ये, क्लियर है। ज्योमेटिकल के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, डिफरेंट सेट बना लो, जितने डिफरेंट सेट बनेंगे उतना ही हमारी क्या होगी ज्योमेटिकल आइसोमर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो एम एम ए 6 है, मान लो आपके पास एम ए 6 है, कितने पेयर बनेंगे यहाँ पे, डिफरेंट पेयर बताना बोलो,
सर ए ही सारे बनेंगे सेम बनेंगे इसमें से, हर हाँ एक ही नहीं बनेगा दोनों में। कोई नहीं बनेगा ना, ठीक है ओके। तो यहाँ पे क्या बनेगा, नो जी आई वाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, कोई ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल कुछ नहीं होने वाला है ना। अगर आपके पास दे दिया जाए एम ए फोर बी सी, इसमें होगा एम ए फोर बी सी में कितने पेयर बन रहे हैं, सभी लोग बताना। जल्दी जल्दी फटाफट, बन रहा है कितना बन रहा है, ए ए फोर बी सी है, दो बनेंगे। एम ए फोर बी सी, ए फोर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ए ए बी ए सी, ये हुआ एक पेयर, एक सेट हुआ ना। अब दूसरा सेट नहीं बन जाएगा अगर आप, बन रहे हैं सर, तीन बन रहे हैं सर। तीन बन रहा है। मान लो आपने ए ए कर दिया, ए ए कर दिया, बी सी कर दिया, ये वन सेट, ये टू सेट। अब बताओ इसके अलावा कोई बन रहा है, बताओ सर ए ए सी और बी सी कुछ ए ए नहीं सर, गलत था। ए सी बी सी, नहीं सर ये नहीं बनेगा, सी दो बार आ गया। कोई नहीं, तो ही बनेगा है ना, तो ही बनने वाला, इसका मतलब क्या है, जी आई शो करेगा, तो दो जी आई शो करेगा। अब ओ आई चेक करो, ओ आई करेगा, बोलो ये सेम आ गया, नहीं करेगा। अब ये दोनों सेम हो गया तो नहीं, ओ आई शो नहीं करेगा, ठीक है जीरो, ठीक है। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर क्या हो जाएगा, स्टीरियो आइसोमर मींस ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, तो टू हो जाएगा, फाइन क्लियर है। इसमें किसी को कोई डाउट है, देखो इस बार पूछा भी गया था आप लोगों से एम ए थ्री बी थ्री टाइप का, याद आया, जेई मेन में आया था, एम ए थ्री बी थ्री में पूछा गया था कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे और कौन कौन से, क्या नाम था, फेसियल मेरिडोनल, याद आया, वही तो है ये ए थ्री बी थ्री टाइप, सर ए थ्री बी थ्री टाइप ही तो है हमारा। क्या हो जाएगा, ए ए ए हो गया, ए बी बी बी, ये एक सेट हो गया हमारा। दूसरा क्या होगा, एबी ए बी ए बी, एक ए बी ए बी हमारा, ए बी, इसके अलावा कोई सेट बन रहा है आपका, ठीक तो है। तो जी आई कितना हो गया हमारा, टू, ओ आई ऑप्टिकल आइसोमर, ये सेम हो गया है ना, नहीं होगा, ये तो होगा पूरा ही सेम है, नहीं होगा है ना, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो होता है ना, ठीक है। ए थ्री बी थ्री टाइप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फेसियल एंड मेरिडोनल, याद रखना है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है ना, फेक एंड मर, ठीक है। आओ चलो आ गया है ना, ठीक है। अगर आपके पास दे दे कॉम्प्लेक्स, मान लो एम ए थ्री बी टू सी, इसमें कितना बनेंगे पेयर, बना जल्दी जल्दी फटाफट पेयर, जल्दी जल्दी बनाओ आप लोग, कितना पेयर है, तीन पेयर है ना, ठीक है बनाओ, ए ए थ्री आ रहा है। ए बी एंड बी सी, ये एक पेयर बना हमारा, सेकंड पेयर ए बी ए सी, और कौन सा पेयर बन सकता है आपका, बीबी वाला बी बी अरे ए ए ए सी, यही हुआ ना, यस सर। अलग है ना, तीनों तीनों सेट अलग है। इसको देखो, इसको देखो एंड लास्ट वाले को देखो, तीनों अलग है ना,
ठीक है, तो जी आई कितना हो गया हमारा, 3। ओ आई कितना होगा, वन 1 1 into 2 हो जाएगा, ध्यान है ना, अगर 1 होगा तो 1। हाँ ये देखो, ये होगा नहीं, इसमें आ जाओ, ये होगा नहीं, ये होगा ए बी, ए बी कहाँ नहीं होगा, से दिख गया, कहाँ जीरो होंगे। से दिख गया, है ही नहीं, वाई है ही नहीं, है ना। मोस्टली ये ट्रिक काम करेगा, कहीं एक दो जगह ही है जहां पे नहीं लगता है, बाकी जगह हर जगह लगेगा ये। एम ए 3 BCD, इसमें पेयर बनाना आप लोग, ए ए ए बी सी डी, है ना, ए बी ए सी, ठीक है, ए बी ए सी, अब क्या बचा, ए बी 2 बार तो होगा नहीं, एक बार देंगे, एम ए बी हो गया, फिर आपका ले लो चार ए बनेंगे सी, सर इसके। चार ए सी ले लो, फिर आप ए डी ले लो, होगा। हाँ उसका बी डी ए सी डबल है और बी सी ए सी डबल है। बी सी डबल है, डी एंड और बी डी ए सी डबल है। बी डी ना, हाँ ये सब बी डी ए सी डबल है। क्या सबको अलग अलग आ रहा है ये वाला, बताओ, यस सर यही आ रहा ये आ रहा है ना, इसमें किसी को डाउट है, है। ओके क्लियर है, बोलो, नो डाउट, ओके, ठीक यस सर। है, तो कितना जी आई हो गया, बोलो, जी आई आपका आ जाएगा कितना, जी आई आपका आ गया कितना है, कितना सेट बना अलग अलग, 1 2 3 4 है ना, 4, 4 सेट बन गया, ठीक है, इसमें से किसी को ओ आई दिख रहा है, ये क्या है हमारा, 4 GI है, ठीक है, सेकंड वाला ओ एक आई है, जी है सेकंड वाला वाला ओ है आई, अभी। यस हाँ, ये आप हमारा ओ आई शो कर रहा है ना स्टार, ठीक है, तो ओ आई हो गया हमारा, है ना, तो ऑप्टिकल आइसोमर एक शो कर रहा है, मतलब 1 into 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 + 2 = 6, नहीं ध्यान रखना, एक कॉमन हो जाता है इसमें, तो क्या इतना हो जाएगा, एक कम कर दो, आंसर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है, 5 होगा ना, 6 मत कर देना ना, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर सर 2 हो कॉमन गया, कहाँ से आता है? कॉमन इसलिए क्योंकि आप ऑलरेडी एक जीआई में आ जाएगा, जीआई जब काउंट करोगे ना 4, तो उसी में एक एक तो आ जाएगा ना वहां पे, दूसरा जो ऑप्टिकल बनेगा केवल ऐड करना रहता है, तो सिंपल सा क्या बात ये है कि पहले जीआई निकाल लो और जितना ऑप्टिकल है उसको एक एक ऐड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई किए बिना, ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, एम A2 B2 C2 क्या होगा, जल्दी जल्दी नंबर ऑफ पेयर बताना आप लोग, है ना, ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी, चार बंदे हैं।
सर माइक हाँ क्या बताया मैंने, ए बी बी सी सी बना एक, दूसरा आपका बना ए बी ए सी सी, तीसरा आपका बना ए सी ए सी ए बी, राइट। तो बी बी हो गया, सी सी हो गया, ए हो गया। अब बताओ लास्ट, है, ए सी ए बी बी सी, ए सी बी ए बी बी सी। सी ए बी। ओके okay. अगला बी सी बी सी ए। हाँ बी सी बी सी बी सी बी सी, और क्या हो, ए ए ए ए। अच्छा आप लोग चेक करो कोई सेट सेम है कि नहीं, सेम होगा तो नहीं होना चाहिए, सब अलग होना चाहिए ना। कोई सेम दिख रहा है, सर, चौथा वाला अलग है, चौथे वाला हो सकता है। नहीं ये कंपेयर करो, ये सब अलग है ना, सेम तो नहीं है ना कोई, ये एक सेट अलग अलग है ना सब चारों, कहीं सेम तो नहीं हो गया ना, ऐसी ऐसी। अच्छा चारों अलग, पांच वाला अलग, तो पांच है, तो फिर जीआई कितना हो जाएगा हमारा, पांच। पांच। अब आ जाओ ऑप्टिकल देखने, ऑप्टिकल चौथे वाला बनेगा सर, इसमें ऑप्टिकल। ये तो नहीं बनेगा, सेम हो गया, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, हाँ केवल ये बनेगा। ठीक है तो ऑप्टिकल कितना, एक ही हो रहा है ना, तो 1 × 2 छह हो इक्वल गए टू, सर, टोटल लेकिन आपको टोटल कितना हो जाएगा, टोटल छह हो गए। सर टोटल जी आई प्लस ओ आई आपका आ जाएगा 6। सर डायरेक्ट ऐड नहीं करना, समझ रहे हैं ना, एक कॉमन होता है एक, इसलिए हम लोग 1 ही ऐड करेंगे। ठीक है तो ये छोटी छोटी बात तो आप लोग ध्यान रखना है ना, क्लियर है। ओके देखो अब आते हैं हम लोग, बाई डेंटेड लिगेंड होगा तो क्या करोगे आप। देखो बाई डेंटेड लिगेंड है ना, मान लो ए दिया है, मीन सिमेट्रिकल बाई डेंटेड लिगेंड है आपके पास, क्या है सिमेट्रिकल, अगर आपके पास सिमेट्रिकल बाई डेंटेड लिगेंड है, डेंटेड लिगेंड होगा या अनसिमेट्रिकल कोई सा भी हो, दोनों दोनों में एक चीज ध्यान रखना, जैसे बाई डेंटेड लिगेंड है ना तो डोनर साइड कितना होगा, दो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब डोनर साइड दो होता है ना, तो एक चीज आप लोग को याद होना चाहिए कि दोनों ही डोनर सी मीन्स एक ही साइड से डोनेट करेंगे, जैसे ए ए हुआ ना ये, तो ऐसे ही डोनेट करेगा, ये स्ट्रक्चर सही है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे हमारा जो ए है और ये हमारा ए है, ठीक है, अगर आप ऐसे सोच रहे हो, एक मिनट, ठीक है, अगर ये ए है और ये हमारा ए है, अगर आप सोचोगे कि एक इधर कर रहा है और एक इधर कर रहा है, मीन्स ट्रांस के पोजीशन पे, ये पॉसिबल नहीं है, सिस पोजीशन से, मीन्स सिन पोजीशन बोल सकते हो, एक ही साइड से डोनेट करेगा, दोनों ही हमारा डोनर एटम जो है हमारा ए, एक ही साइड से डोनेट करेगा, ओपोजिट से नहीं करेगा, ये गलत है। क्यों गए, क्यों गलत है, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे, ठीक है। सर, ईडीटीए ही कर सकता है बस, जो पूरे पे कर लेते हैं के साथ। हाँ ईडीटी है तो वहाँ पे 6 डोनर हो जाता है ना, दो ऑक्सीजन, बड़ा ध्यान रखना ये नहीं करेगा ना, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ, इसी का यूज़ करेंगे, जो अभी बताया ना कॉन्सेप्ट, इसी का यूज़ करके आपको कुछ चीज़ें पता चलेगा ना। जैसे आपको दे दिया जाए एम ए ए बी थ्री सी, ठीक है, कितना डिफरेंट पेयर बनेगा, कितने डिफरेंट पेयर बना सकते हो आप, क्या ये सही है, लिखना बताना आप लोग पहले, क्या ये पेयर लिखना सही है, सोचो। सर ए सिस में आ रहा है। ये पेयर ही गलत है, ये हो ही नहीं सकता, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना ए है और ए के अपोजिट ए है, ये कैसे पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये पेयर जो है ना हमारा ए गलत है। सकते क्या क्या ये कैपिटल
दो बार ही लिखने का मतलब ये एक लिगेंड है जो कि बाइडेंटेट है। अच्छा कैपिटल ए का मतलब है बाइडेंटेट लिगेंड की बात हो रहा है, ठीक है ना। अब आ जाओ, क्या ये पॉसिबल है ये बताना था। तो ये पूरा ही पॉसिबल नहीं है। ए बी बी सी, क्या ये पॉसिबल है बताओ। सेम काम करेगा आपको टेट्राहेड्रल स्क्वायर पेनल सब में के लिए, यही रूल रहेगा ना। क्या ये पॉसिबल है बोलो, सर, पॉसिबल है ना। ये तो पॉसिबल है। ये क्या बोल रहा है, ए के अपोजिट बी आना चाहिए, ठीक है। फिर बोल रहा है ये कि ए के अपोजिट बी आना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, ठीक तो है। ये बी हो गया, बी के अपोजिट सी आना चाहिए। तो ये पेयर पॉसिबल है ना, ठीक है। अब आ गया जब, और कितने डिफरेंस पेयर बन सकते हैं आपके, ए सी है ना, ए बी बी बी, ये पॉसिबल है कि नहीं ये बता पहले। ओके, ये पॉसिबल है ना, बोलो पॉसिबल है ना। बीबी क्या, एक साथ हो सकते हाँ ये तो मोनोडेंटेड है। ओहो नहीं, कैपिटल ए का हम लोग बाइडेंटेड नहीं होगा ना, केवल बाइडेंटेड नहीं होगा, मोनोडेंटेड तो हो ही सकता है ना। मोनोडेंटेड में क्या अंतर है, ए लिखो ए लिखो, ये जुड़ा हुआ थोड़ा है इससे, तो मोनोडेंटेड पॉसिबल है। अभी तक तो मोनोडेंटेड ही करते आ रहे हैं ना ऊपर से, मोनोडेंटेड पॉसिबल है, बाइडेंटेड नहीं है ना, सर। ठीक है। तो आपको कितना हो जाएगा, जी आई तो वाई बताना, ये तो ऐसे भी नहीं होगा, ये ऐसे भी नहीं होगा, ठीक जीरो है। ठीक है, अब आ जाओ। अगर आपके पास आ गया एम एम ए बी सी टू डी टू, इसमें बताना ये क्या है हमारा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। कितना डिफरेंस पेयर बनेगा, पेयर बनाना आप लोग। सभी लोग जल्दी जल्दी फटाफट, सर ए डी बी डी सी सी ए सी बी सी डी डी क्या बोलो, ए सी बी सी डी और ए डी बी डी सी सी हाँ, ए डी बी डी सी सी सी, दो ही अगर बनेंगे। दो ही बने, अगर कोई ये सोच रहा होगा ना ये भी हमारा बाइडेंटिटी है। ए डी बी सी और सी डी बनेगा सर। ए डी बी सी सी डी भी बन तो। अच्छा ये कितने लोग बोल रहे हैं बनेगा, सर, ये नहीं बनेगा। लेकिन नहीं इसके अलावा बनेगा। एक और नहीं बनेगा सर, सपने में भी नहीं बनेगा। ये देखो रहे हो, ये देखो, ये सिस पोजीशन में आ सकता है, ट्रांस पोजीशन में आएगा, बाइडेंटेड लेंगे नहीं ना, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, ए डी बी सी और सी डी भी तो बनेगा। ए डी बी सी और सी डी ठीक है, ये बनेगा। तो तीन हुआ, और बनेगा, सर, ए सी ए डी और सी डी ए सी ए डी सी डी, क्या डी सर डबल ये चारों अलग है। तो सर, दो ये तो है ही नहीं। बी है ए नहीं, ठीक है, ये सारा अलग है। देखो एक मिनट, ठीक है। अब बताओ, जो ये सेट आया है 1 2 3 एंड 4, क्या चारों अलग है।
सर, चारों अलग है ना, यस सर, या सेम है? चारों अलग है ना, अगर चारों अलग है तो जी आई कितना हो गया हमारा? फोर। वाई कितना हो जाएगा? ऑप्टिकल आइसोमर बताओ, कितने सेट जो है ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहे हैं? दो कर तीन 200 कर रहा होगा, देख लो। ठीक है, ये कर रहा है कि नहीं? कर रहा सर। एसी बी डी सी डी, एसी बी डी सी डी ये कर रहा है, ये भी करेगा, ए डी बी सी सी डी, तो दो हुआ है ना। वाई कितने शो कर रहे हैं हमारे? टू। और एक वाई कितना शो कर देता है? दो इंटू टू इक्वल टू कितना होना चाहिए? फोर होना चाहिए ना, यही फोर होगा। बोलो, फोर होगा? नहीं, कितना हो जाएगा? एक एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 + 2 = 6, क्योंकि एक ऑलरेडी कॉमन हो जाएगा। केवल वाई पूछेगा तो फोर, ध्यान रखना, केवल जी आई पूछेगा तो फोर, लेकिन दोनों का सम पूछेगा तो 6 टोटल। सर 6 क्यों होगा? 4 4 8 और 1 माइनस करेंगे, 7 होना चाहिए। सेवन होगा? नहीं, एक माइनस थोड़ी होगा, एक तो जी आई के साथ जा रहा है ना, उसका टोटल क्या हो जाएगा? आपका सोच रहे हो फोर अरे प्लस टू चारों कौन जीआई दिखाते हैं सा? हाँ, चारों दिखाएंगे। और चारों ऑप्टिकल भी दिखा देंगे, लेकिन सर हाँ चारों का ऑप्टिकल नहीं, तो सिर्फ चार चार नहीं, दो दो दो। हाँ, दो का दिखाएगा, जो जिस सिक्स वाले दो होंगे। ठीक ठीक है है, सर, वो तो ऑलरेडी काउंट में चला जाएगा ना, ऑलरेडी वो काउंट हो जाएगा एक, समझ गए? ठीक फिर वैसे मेरे को है ना, ये वाला मेथड ज्यादा समझ आ नहीं रहा। इससे अच्छा तो मैं ड्राइंग ही बना लेता हूँ, स्ट्रक्चर बना के समझ आ जाता हाँ तो कुछ कुछ ठीक है। तो। अगर जिसको ड्राइंग से समझ में आ रहा है तो बेटर है, मतलब उसके लिए है जो ना 3D नहीं देख पा रहा है, नहीं सोच पा रहा है, उसके लिए है। हाँ जैसे सर काफी अजीब सा ही लग रहा है, कुछ पेयरिंग करो कुछ हाँ कुछ। तो अगर आपसे ड्राइंग से हो जा रहा है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए है, मतलब जो नहीं सोच पा रहा है उसके लिए है। नहीं तो फिर 3D अभी अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यों दो हट रहा है ये आप कब समझोगे? जब आप, आपको बताया जा रहा है, या आप खुद सोचो कि कोई एक पेयर आएगा, ट्रांस पेयर आएगा, वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, या बोल यस सकते सर, हो कि ट्रांसफॉर्म होता है। हाँ, जैसे यहाँ पे क्या होगा, सीस रहेगा, तो कुछ पेयर होगा जहाँ पे नहीं होगा, या सीस ऑलरेडी कॉमन हो चुका है उसके साथ, समझ गया? सीस ऑलरेडी कॉमन हो चुका है, हो गया उसके साथ, ऐसे सोचो। जब सीस कॉमन हो गया तो सीस वाला ही ऑप्टिकल में जा रहा होगा, तो कॉमन हो गया ना, दोनों एक ही हो गया, इसलिए हम लोग ना माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो है तो -2 करना पड़ेगा, या तो बेटर है तो क्या करो, जितने ऑप्टिकल होंगे +2 कर दो, टोटल क्या हो जाएगा? प्लस, और ऑप्टिकल कितना शो कर रहा है? 2 × 2, तो ऐड कर दो इसको, इन दोनों को जोड़ो, 2 + 2 = 6। ठीक है, यस सर, क्योंकि ऑलरेडी ये कॉमन रहा है, स्ट्रक्चर जो है सेम है रहेगा ना एक, इसलिए। इसमें किसी को डाउट है बोलो। अगर आपके पास ये आ जाए एम ए ए है ना, एम ए टू बी सी, एम ए टू बी सी, एम ए ए टू बी सी शो करेगा ये बताओ। पहले पेयर बना लो, इससे क्या हो जाएगा, ए बी ए सी, ठीक है, और क्या पेयर बन सकता है? ए बी ए सी है ना, ए ए, ये बन सकता है कि नहीं बोलो? सर नहीं बन सकता बनेगा, देखो सर। कैसे बनेगा। ए ए है, ये दो अलग अलग हैं, एक ही थोड़ी है ये, ऐसे देखो, अब दिखा? यस सर, समझ गया, ये मान लो 1 1 लिख लो यहाँ पे, तो ये क्या है? 2 2 है, अलग बाइडेंटेड है ना, समझ गया? तो दो अलग अलग है,
फाइन, तो ये मान लो ये वन टू है, तो अगर आपके पास ये है तो ऐसे लिख सकते हो ए वन ए टू है ना, ए वन ए टू बी सी, तो आपके पास कितने पेयर हो गए, दो दो पेयर आ गए ना, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है ना, दो पेयर आया ना, तो जी आई कितना हो रहा है हमारा, टू। ऑप्टिकल बताओ आप लोग। सर ये जो आपका पहला सेक्टर है वो बनेगा, कौन सा ये वाला, ए बी ए सी ए वाला? हाँ क्यों नहीं बनेगा ये सर, इसमें एक ट्रांस में नहीं चला जाएगा, फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा नहीं जाएगा उसका? नहीं नहीं एक ए वन का है, देख लो देख लो, हम बनाते हैं एक का और एक ही ए टू का है, देख लो ये एम है ना, क्या बोल रहा है, ए के अपोजिट ए वन के अपोजिट बी आ रहा है, मान लो बी होगा यहाँ पे है ना, दूसरा बोल रहा है कि ए टू के अपोजिट, मान लो यहाँ पे ले लो ए टू, ए टू के अपोजिट सी है हमारा, फिर क्या बोल रहा है, हमारा जो ए वन है ए वन ए टू के अपोजिट है, मीन्स मान लो ये हमारा एक ए वन रहेगा है ना, ए वन के अपोजिट हमारा क्या आ रहा है, ए टू आ रहा है, ए टू आ रहा है, क्या ही नहीं बनेगा? ओके सर, ठीक है बन गया ना, ये एक है और ये अलग अलग है ना, दोनों दोनों एक दूसरे से थोड़े मिले हुए हैं, अलग अलग है ना, ठीक है। अब इनमें बताओ कोई ऑप्टिकल है, ये ही वाला ऑप्टिकल हो जाता है, सीस वाला है ना, ऑप्टिकल हो जाता है, तो ओ आई एक ना शो करेगा सीस वाला, तो कितना हो जाएगा, एक ऑप्टिकल है इंटू टू इक्वल टू टू होना चाहिए, ऑप्टिकल पूछेगा तो टू है ना, लेकिन अगर टोटल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी जी आई में जाता है ना सीस, और सी सी हमारा ऑप्टिकल हो गया, तो एक तो कॉमन हो जाता है ना, ठीक है, तो टू प्लस वन इक्वल टू थ्री, ठीक है। किसी को डाउट है कहीं पे कुछ भी, क्लियर है ना सब कुछ, ओके। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, बाकी चीज़ें क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते जाएंगे ना, ठीक है। इसमें बताओ कौन सा होगा, जल्दी फटाफट, सर चार्ज देखना पड़ेगा या बस चार्ज को ऐसे छोड़ सकते हो? चार्ज कोई लेना देना नहीं, सीधे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो सब फटाफट, उसके बाद ही बताओगे ना, क्योंकि ऑप्टिकल पूछ रहा है, अगर ये कहीं टेट्राहेड्रल हो गया तो, अगर कहीं ये स्क्वायर प्लेनर हो गया तो फिर तो ऑप्टिकल शो ही नहीं करेगा, जल्दी जल्दी फटाफट। पहले सेंट्रल मेटल का आप ये निकाल लेना हाइब्रिडाइजेशन, बी होगा इसका, बी होगा, ऑप्टिकल पूछ रहा है, ए होगा ऑप्टिकल ना? तो ट्रांस वाला तो वैसे भी बहुत कम होता है, होगा तो या तो सीस होगा या तो ए होगा या तो सी होगा, ए होगा सर, ए होगा सर, ट्रांस तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा, बहुत कम होता है, हाँ नहीं नहीं सिंगल है, तब तो ए ही है, सी क्यों नहीं होगा, सी भी देखो ए मेटल हो गया हमारा, एनएस थ्री क्या है मोनोडेंटेड ए ट्वाइस, सी एन क्या है बाइडेंट मोनोडेंटेड बी फोर, ये तो अभी तक क्या आ रहा है, ये तो ये कहीं होता है क्या ऑप्टिकल, sp3 नहीं है ना, ये ऑप्टिकल शो करेगा कभी, आप पहली बात अगर टेट्राहेड्रल हो तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ टेट्रा बोले ऑक्टाहेड्रल, ये सभी ऑक्टाहेड्रल है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करो, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल दोनों शो करता है, टेट्राहेड्रल में हमें निकालना पड़ता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है, ठीक है, ये सभी क्या है ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल में दोनों क्या ही शो करेगा, जी आई तो शो करेगा, ये ओ आई शो करेगा नहीं, अभी देख के आए, देख लो एम ए टू बी फोर, देख लो एम ए टू बी फोर, नहीं आया, देखो बी सी देख लिया तो बी
बी टू तो सेम होगा, कोई अंतर होगा नहीं यहाँ पे, है ना, समझ गया। वाई नहीं हो रहा है ना यहाँ पे, केवल जी आई होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्लियर? अब आ जाओ इसमें, बता जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन सो लिंकेज आइसोमर, बी समझ है ना, लिंकेज का मतलब क्या होता है, दो डोनर साइट हो, है ना। अलग अलग एम्बिडेंडेड होते हैं जो। HCN हो जाए, है ना, CN हो जाए, NO2 हो जाए, ये सभी क्या है, लिंकेज आइसोमर्स हो करेंगे ना। तो आंसर सर क्या हो जाएगा एससीएन भैया, का नाम क्या होता है, फाइनाइल कार्ब कुछ होता है ना, एससीएन का नाम क्या होता है सर, थायोसाइनाइड। HCN, थायोसाइनेट और NCS, दोनों दो होता है ना, कभी नाइट्रोजन डोनर होता है, कभी सल्फर होता है ना, NCS। ठीक है, इसमें आ जाओ जल्दी, फटाफट जल्दी जल्दी। मोर देन है, एक से ज्यादा सही होगा इसमें, है ना। अब ये कल किए थे अपन, नहीं कल नहीं, दो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे थे। अगर डेंसिटी बढ़ेगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा। देखो, अगर डेंसिटी बढ़ता था हमारा एम ऐसे पेयर में, तो डेंसिटी मेटल के ऊपर बढ़ गया ना। अब मेटल के ऊपर डेंसिटी बढ़ा तो सिनर्जिक बॉन्डिंग अच्छा करेगा। अगर उस सिनर्जिक बॉन्डिंग अच्छा कर रहा है, तो जो हमारा मेटल एंड कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर था, क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हमारा बढ़ जाता है, बॉन्ड लेंथ हमारा घट जाता है। सिमिलरली जाता है जो कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो होगा, वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा और बॉन्ड लेंथ हमारा बढ़ जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि सिनर्जिक बॉन्डिंग जितना अच्छा होगा, तो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी, फटाफट। एसीडी। ए तो सही है, डी भी है, टू हैज लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। नहीं नहीं यस क्रोमियम सर, 0 है सर। प्लस सिक्स में भी तो होता है, गलत है, टू नहीं होगा, टू कैसे होगा, ये क्या बोला, वन हैज, सीओ जीरो नहीं, ये बोल रहा है ना, टू हैज ए लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल थोड़ी है क्रोमियम हमारा, ये बोल रहा है कि वन हैज मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर, इस केस में तो 0 है ना, क्रोम के ऊपर सेकंड वाले में चार्ज ही तो 0 है सर इसमें। टू हैज लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, नहीं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल पूछ रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन ये पार्टिकुलर क्रोमियम का नहीं बोल रहा है कि आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। वैसे क्रोमियम आपको क्या लोएस्ट होता है, सर इसमें क्रोमियम मेटल तो बहुत हाँ, ज्यादा, क्रोमियम होगा तो सर फिर बाकी इस। तो नेगेटिव नहीं है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकियों की तो नेगेटिव है, इसके तो फिर भी पॉजिटिव है। नहीं Mn, Mn का क्या हो जाएगा, Mn का प्लस है यहाँ पे, सर वैसे टू वन जोड़ोगे तो Mn प्लस हो जाएगा, Cr जीरो में रहेगा और V माइनस में रहेगा। ठीक है, वन हैज मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब बताओ, मैग्नीज के, इलेक्ट्रॉन हाँ लूज कर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना प्लस वन, तो इसका क्या मिनिमम होगा एम एन का, एम एन में कितना मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है, 3d7 4s2, तो एक इलेक्ट्रॉन गया है ना, राइट, तो एक बना है ना, ये मिनिमम
क्या बोला है, मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मिनिमम थोड़ी होगा, इससे तो ज्यादा होगा ना वेनेडियम से। इसका देखो, इसका क्या होगा, 3d 3 4s 2, राइट, तो इससे तो ज्यादा ही आएगा ना इलेक्ट्रॉन, इसमें मिनिमम नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है चलो, ये बताना कौन सा है हमारा जो ज्योमेट्रिकल आइसो, सेलेक्ट इन विच ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमोर ऑफ कॉम्प्लेक्स। अच्छा हाँ, कौन सा ऐसा है जहाँ पे जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमोर बनेंगे, जैसे सेट बता रहे थे ना 1 2 3, सारा उन चारों सेट में चारों के चारों ऑप्टिकली एक्टिव भी होना चाहिए। ये जो केस होता है ना MAB3, पता है ना, सारे ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं, यस सर। ऑप्टिकली एक्टिव, ये पता है ना। ये PY क्या है, पिराइडीन? इसका मतलब ये आंसर तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, और कौन होना चाहिए। सर ये जो AB3 वाला मतलब आइडेंटिटी में जो होते हैं उसमें ज्योमेट्रिकल दिखते हैं मैं, नहीं, ऑप्टिकली है। तो फिर आप उसमें लिखा ना विच ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आर ऑप्टिकल, मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल तो है ही नहीं। इट सेलेक्ट द इन विच ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमोर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल। यहाँ पे जो, यहाँ पे ना केवल एंड केवल ऑप्टिकल दिखता है, ज्योमेट्रिकल नहीं दिखता है। हाँ तो सर क्या सेलेक्ट ऑप्शन लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए फिर हमें? द कॉलम इन विच ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमोर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। सर ये अगर बात ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, अगर किसी का ट्रांस बनेगा तो उसका सिस तो बनेगा ना, कंपलसरी बात है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस यहाँ पे कंपेयर करोगे, MAB होल थ्राइस जहाँ पे आता है ना, वहाँ पे ओनली ऑप्टिकल ही शो होता है, तो हो सकता है ना, ये बोलना चाह रहा है कि ज्योमेट्रिकल जो है वही ऑप्टिकल है ना, स्टेटमेंट का मतलब ये होना पड़ेगा, तभी ये आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकल ही केवल शो होता है, ज्योमेट्रिकल शो कहीं नहीं होता। ठीक है, अगर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल तो नहीं शो होता है ना, जैसे आप ये MAA भी रहेगा ना, ए थ्राइस, तो यहाँ पे भी ओनली क्या होगा, ओनली ओनली ऑप्टिकल है ना, MAA थ्राइस में ओनली ऑप्टिकल होता है, यहाँ पे रहेगा। एक मिनट एक मिनट, इसका सेट बनाना, तो सेट बना, मान लो ये 1 है, 1 1 है, ठीक है, इसमें होगा इसमें होगा इसमें होगा, रुक जाओ रुक, ये 3 था ना, तो कैसे लिख सकते हो इसको, MAB AB AB AB, ऐसे लिख सकते हो ना, तो आप 1 1 2 2 3 3 कर दो, ये 1 होगा, ये 2 वाला होगा, ये 3 वाला होगा, तो कितने डिफरेंट सेट बना सकते हो, यहाँ पे तो नहीं बनेगा, इसमें नहीं होता, ये क्या सर होता, आप वन सर वन होता, करके दिखा दो प्लीज, ये मेरे को बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। कंफ्यूजन नहीं, बस ट्रांसपेयर आपको चेक करना है, ये 1 से ये डिफरेंस है कि नहीं, बताओ, क्या हम 1 A1 A2 लिख सकते हैं, नहीं तो क्यों नहीं, अपने कहते ना सर, सामने नहीं आ सकते सेम वाले। सेम थोड़ी है, ये अलग अलग है, ये 1 है, ये 2 का है, सर लिख सकते अगर हैं मेटल होगा, देखो इसे, है ना, ये ऊपर वाला नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन नीचे जो बना रहे हैं, देखना पॉसिबल हो जाएगा, B1 B2 है ना, B1 B2, लेकिन फिर आपके पास बच जाएगा A3 B3, अब ये नहीं होगा, फिर हमें क्या करना होगा बताओ, क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, A1 A1 A2 है ना, अलग अलग पेयर होना चाहिए, अंदर जो है ना 1 1 नहीं होना चाहिए, 2 2 नहीं होना चाहिए, 3 3 भी नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, एक मान लो A2 B1, फिर ले लो A3, क्या A3 B1 हो गया, B1 हो गया, B2 सर आ गया, नहीं आया, B1 आया,
बी टू आया, बी थ्री आई नहीं, ए वन ए टू, ए वन ए टू बी वन, सर ये तो 2 बार ए टू दो बार आ गया ना हमारा। हाँ ये एक मिनट, हाँ अब यहाँ पे थ्री कर दो, अब आ जाओ यहाँ पे देखो, ए वन के अपोजिट ए टू आना चाहिए, ये ए वन हो गया हमारा, ये हमारा ए टू हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है ए, सर, हाँ बोलो। वो B1 और B2 होना चाहिए, B3 होगा फिर, वो B3 B1 होगा, वो बीच वाला एक ब्रैकेट, मिनट, बीच वाला नहीं। रुको, ए वन ए टू तो होगा है ना, हाँ यहाँ पे अगर आपने थ्री कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर ए नहीं होगा यहाँ पे, फिर क्या आ ए जाएगा, टू फिर बीच भी हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ ए टू पे तो चाहिए ऊपर, ए टू हो गया, ए वन ए टू ए थ्री हो गया, बी वन है, बी एन हो गया, बी बी टू हो गया, बी थ्री हो थ्री जाएगा, बी टू होगा सर। ठीक है। अब आ जाओ, ए वन के अपोजिट ए टू सही है ना, ठीक है। और क्या बोल रहा है आपको, मान लो बी वन के अपोजिट, ये बोल रहा है बी वन के अपोजिट जाना है ए थ्री, ए थ्री ठीक है, ये बोल रहा है कि मान लो यहाँ पे बी थ्री है, तो बी थ्री के अपोजिट आपको बोल रहा है बी टू है ना। अब देखो ए वन बी वन हो सकता है ये, ठीक है, ए टू बी टू हो सकता है, ये अपना ए थ्री बी थ्री हो सकता है, पॉसिबल तो है, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है, एक और पेयर पॉसिबल होता है यहाँ पे बनाना है ना, इसीलिए क्या होता है ना, दोनों ही यहाँ पे दो, मिरर हाँ तो यहाँ पे क्या होगा ना, दो पेयर पॉसिबल होगा, एक और पेयर बनेगा यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होगा ना ऑप्टिकल हो जाएगा, ये एक एक पेयर बनेगा, एक और बनेगा पेयर, बनाओ। अगर हम यहाँ पे ए थ्री ले लें, ए वन ले लें, अलग हो गया ना, ये ऊपर तो है नहीं। अब आ जाओ, अगर अपन ए टू लेके बी थ्री कर दिए, अलग है। अब आ जाओ, बी टू बचा हुआ है और हमारा बी वन बचा हुआ, अलग हो गया ना, ये देख लो अलग हुआ, ये अलग सेट बन गया, तो इसका मतलब दोनों ही क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, दोनों ही क्या है, जी आई है, दोनों ही जी आई शो कर रहे हैं, और दोनों ही क्या हो जाता है ऑप्टिकल, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। ये बेसिकली एम ए बी थ्री टाइप का है, अगर आपके पास एम ए ए टाइप का रहेगा, इस केस में ओनली ऑप्टिकल ही होता है, क्योंकि हमारा डिफरेंट पेयर नहीं बन पाता है ना, ओनली ऑप्टिकल इसके केस में है सर ना। एक और बन सकता है ना, कहाँ ए टू के बनाओ, साथ अगर P1 लगा दे तो, अच्छा चलो ए टू के साथ आप बी वन लगा रहे हो, ठीक है आगे। नहीं ये बीच में जैसे ऊपर वाला जो है, बीच में जो A2 B3 बन रहा है, उस B3 की जगह B1 लगा दे। अच्छा ऊपर वाला बोल रहे हो, ये तो तो पॉसिबल ही एक नहीं है, भाई नहीं, ये तो है ही नहीं। ऐसा सीन हमारा अनसिमेट्रिकल होता है ना, कौन सा, भाई हाँ सीन भाई अनसिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल कैसे पहचानते हो, पहले काफी डोनर आइटम टर्म देखो। जो हमारे अनसिमेट्रिकल होंगे उसमें ज्योमेट्रिकल ही हमारे ऑप्टिकल हो जाएंगे, लेकिन अगर हमारा कौन सिमेट्रिकल से हुआ मेडिकल है, लाइक इथेन ऑक्सो की ईएन तरह, हुआ, एसी एसी हुआ, ऑक्सो ऑक्सो हुआ, ठीक है, उसमें ये जो सब ऑप्टिकल दिखेंगे ज्योमेट्रिकल नहीं केवल दिखेंगे। ज्योमेटिकल नहीं दिखेंगे, क्यों नहीं दिखेंगे, एक ही पेयर बनेगा वहां पे, ठीक ठीक है है, सर, बना के देख लो, देख लो, एम ए ए ए ए ए यही है ना। अब हाँ वन, सर, इसको वन वन टू टू थ्री थ्री, अब पेयर बनाओ, इसका एक ही पेयर बनेगा, ए वन के साथ ए थ्री कर दिया आपने, अब बचा आपके पास ए टू, ए टू के साथ अगर आपने ए टू के साथ क्या कर सकते हो, ए टू के साथ ए थ्री का, तो ठीक है, अब आपका बचेगा ए टू के साथ ए वन हो गया, अब क्या डिफरेंट पेयर पॉसिबल है इसके अलावा, बनाओ, इसके अलावा पॉसिबल है तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, समझ ओके सर, सर गया, एक ही पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे जी आई शो नहीं होता है, ये वाई क्यों शो हो रहा है, वाई इसलिए शो हो रहा है, देखो अलग है अंदर, डिफरेंट है, डिफरेंस है, ठीक है, अलग है, इसलिए केवल वाई शो हो रहा है।
है ना, ठीक है। चलो इसके अंदर देखो सब अलग अलग हैं, देख लो ठीक है। इसलिए 2GI जो था हमारा, वही दोनों के दोनों क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहे हैं ना। क्लियर है सबको, है ना। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हुई है वैसे ये, MAB3 टाइप और MAA टाइप का, ठीक है। चलो अच्छा ये बताना, आपको बताना है कौन सा ऑप्टिकली, विच इज और आर आर नॉट ऑप्टिकली इनएक्टिव, कौन सा नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ना आप लोग होमवर्क में ले लेना ये सारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ऑप्टिकल आइसोमर, कौन सा शो करेगा, ये करेगा कि नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। डी ये करेगा, करेगा सर, बीएन क्या होता है? है बीएन बीएन, जैसे ईएन होता है ना, उसमें बीएन होता है। बीएन का एक सेकंड, बीएन अपना लिगेंड का नाम होता है, ट्राई बा, जैसे टीएन होता है ना, टीएन ईएन, तो वही होता है लिगेंड। डीएन को कुछ होता है? डीएन नहीं सुना सर, क्योंकि टीएन सर तो होता है, ये नहीं पता है सर, या डाई इन पता है। डाइन, टेट्राइन, है ना। बीएन यहाँ पे, बेंजीन हाँ शायद बेंजाइन होगा यहाँ पे, ठीक है। बीएन उसे देख देख के बताएंगे ना बीएन क्या है, उसे बेंजाइन भी हो सकता है बीएन। ओके सर, अरे बेंजीन की रिंग बाइडेंडेट होती है, लिगेंड तो होगा कोई बेंजीन की रिंग मोनोडेंडेट आती है या फिर बाइडेंडेट आती है? कौन सा, बेंजीन अगर तो बेंजीन की हाँ, रिंग हो तो तो मोनो होगा, डोनर मोनो देखना है, होगा। डोनर अगर हाँ एक एक डोनो। डोनर है तो फिर मोनो होगा, दो डोनर आना चाहिए तभी जाके होगा ना, ठीक है। एक ही डोनर था ना वहां पे, ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। बीएन जो आपको बोलते हैं, बीएन बेंजीन को नहीं बोला जाता है, बीएन आपको जैसे एक स्ट्रक्चर देखो आप, सही यहाँ पे होगा मेरे ख्याल से। अच्छा बीएन यही होता है, NH2, NH2 इसको बोलते हैं बीएन, है ना। बेंजीन को शायद नहीं बोलते हैं, वैसे देख के बता देंगे ना, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ठीक है। ओके ठीक है, तो नाम आप क्या लोग ना सर एक इसका? बोलो, इसका नाम क्या है सर? इसका अगर फुल फॉर्म बीएन का, बीएन का पूछ रहा ये है ना, सब कुछ तो मुझे जैसे बुलाएंगे हाँ ना सर, जैसे पीएन होता था, पीएन पीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएन तो सर सुना ही नहीं मैंने, ईएन सुना है, डाई इन सुना है। पीएन नहीं, पीएन किसी को पता है, पीएन ये क्लास में हम लोग किए थे, पीएन ये सर किया तो था लेकिन नाम भूल गए। ना, पीएन हुआ, टीएन हुआ, ये सारा जो आता है ना हमारा, ये लिगेंड ही होती है ना। ये कैसे मीन्स डिफाइन होता है, ये डिपेंड करता है कि कौन कौन से आपके डोनर हैं, अलग अलग, जैसे पी एन ई एन टी एन बी एन, ये सारे लिगेंड ही होते हैं ना, ठीक है। इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन टेट्रामीन, इथाइली पेंटामीन, ठीक है। ई एन क्या है, डायमीन, पी एन क्या है, पेंटामीन, टी क्या है, टेट्रामीन, अमाइन होता है ना, ठीक है। बाई मीन्स दो दो डोनर है, ट्राई में तीन आ जाएंगे, पेंटा में आपके पांच डोनर साइट आ जाते हैं एनएच2 का, ठीक है। तो अलग अलग होता है ना डोनर, जैसे जैसे डोनर बढ़ता जाएगा कार्बन एटम भी बढ़ते चले जाते हैं, ओके। पी ओके सर, एन टी एन बी एन ही सारा होता है ना हमारा, है ना। बाकी क्वेश्चन आप लोग ना एक बार देख लेना इसको, है ना, पैराग्राफ का भी क्वेश्चन ही सारा, है ना, क्लियर है ना, तो एक बार देख लेना जरूर, है ना। और जिसको इसमें किसी को कहीं पे कोई डाउट हो तो जरूर पूछना, है ना, डाउट ग्रुप में ना, ये आपका इम्पोर्टेंस है ना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन दिखता है ना, ओके ठीक है, सारा क्वेश्चन आप लोग ट्राई जरूर करना, है ना। चलो ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।
थैंक यू सर। सर क्वेश्चन था, हाँ बोलो।